वेलकम टू योर ऑन शो पूछो तो जीतो, और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा, और मैं मौजूद हूं यहां पर चिड़िया घर में, और आप सबकी ये मोस्ट फेवरेट प्लेस है। तो मैं यहां पर आई हूं आज इंट्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर हम फैमिलीज आती हैं, यहां पर काफी ज्यादा क्राउड आता है, तो उनसे जानने के लिए कि वो यहां पर क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं है, तो ये तमाम सारी बातें हम उनसे आज करेंगे। उससे पहले मुझे शामिल करना होगा अपना सवाल, अपने प्रोग्राम का सवाल भाई, और पहला सवाल ये है, किस मुल्क में वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है, ये मुल्क कौन सा है? और ये मैं यहाँ पर जो है सवाल करूंगी। और दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं आज, एक ऐसा मुल्क है जिसके बादशाह ने खून से किताब लिखी है, और वो भी अपने खून से किताब लिखी है। अरे ये कौन सा, इतना बहादुर ये बादशाह था, और वो मुल्क का नाम क्या था, ये हम सवाल करेंगे यहाँ पर आए क्राउड से, और उनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें, और उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी है भाई और हवा भी चल रही है, लेकिन हब्स की वजह से पसीना बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे लाहौरियों के जज्बे बहुत भाई बुलंद है, और वो किसी गर्मी से जो है डरते नहीं है, और एंजॉयमेंट करने में सबसे आगे हैं। तो यही आज उनसे पूछते हैं, और फिर पहेलियों का भी तड़का होगा, ढेरों इनाम भी होंगे। तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। और मुझे अपना नाम बता दें। नाजिश जावेद। क्या करती, क्या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ हूँ मैं। और आप भाई अपना नेम बता दें। मोहम्मद शहीद जावेद। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। कौन सी क्लास? फाइव। फाइव क्लास में। तो मुझे बताओ क्या लगता है क्या आपको कि आप में टैलेंट क्या है? साइकिलिंग। साइकिलिंग कर लेते हो आप? और आप पढ़ते हो? जी नाइन्थ क्लास में। जी अच्छा, मुझे बताओ क्या आगे क्या करना है? आगे इंजीनियर बनना है। गुड हो गया। और मामा है साहब? जी ठीक है। और अब मुझे बताओ, दोनों भाई हो, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मुझे बतानी एक अच्छी आदत जो दोनों में आपको लगता है कि है, ये बड़े भाई हैं, क्या लगता है आपको इनमें अच्छी आदत क्या? ये अच्छा वो क्या नाम है, मारता नहीं है, ये अच्छी आदत लगती है। और बुरी आदत क्या लगती है? कोई चीज देता नहीं है। कोई चीज देता नहीं है और खुद ले लेता होगा ना। क्या लगता है आपको अच्छी आदत? कुछ भी नहीं, सब ये अच्छा है, मेरा अच्छा भाई है। तो बुरी आदत? कुछ भी नहीं कहता मुझे, कुछ भी नहीं इसकी बुरी आदत भी नहीं लगती। अरे वाह, ये होते हैं बड़े भाई, कोई आदत बुरी नहीं लगती है। सवाल करूंगी आप लोगों से, किस मुल्क के बादशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? है आइडिया, सुना भी होगा आप लोगों ने। मुल्क का नाम बताना है आपने। अब आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। 10 times कहना और फास्ट कहना है आप। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम गम। 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 अब्दुल गोल ओके गुड हो गया। और कोई रेसिपी शेयर कर सकती हैं आप हमारे साथ? कोई रेसिपी शेयर कर सकती हैं? हाँ जी, मैं मलाई टिक्के की रेसिपी शेयर करूंगी। 1 kg चिकन आपने लेनी है, उसके अंदर लहसुन अदरक 1 tablespoon, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon दखनी मिर्ची और ग्रीन चिली 1/2 teaspoon, और उसमें नमक ऐड करना है और दही ऐड करनी है उसमें, और 1/2 प्यारी दही, और उसको फिर आपने अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। आखिर में आपने 2 tablespoon ना बटर डाल देने और उसकी भुनाई करेंगे, और आखिर में कोयले का दम देना है इसको। ओके गुड हो गया। और आप लोगों में से मुझे भाई कौन गाना सुनाएगा? गाना नहीं आता। नेशनल सॉन्ग माओ की दुआ पूरी हुई और ये हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया, घर मिल गया। अल्लाह का एहसान है हमारा पाकिस्तान है, हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। वक्त पड़े तो इसकी खातिर हर दुख सहलेंगे, जान लबों पर आ जाए तो फिर भी कह देंगे, हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है।
ख्वाब है इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन। हम आन हम शान हम इसकी जान है, हम पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा भाई आपका ये सॉन्ग, और ये आप लोगों के लिए जी लाहौर न्यूज की जानिब से गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई, क्यूट सी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने आपको नेशनल आप कह सकते हैं इसको, या आप इसको सॉन्ग कह सकते हैं, उन्होंने सुनाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया मैं उन्हें बता दूं मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूं। तो यहां पर आए क्राउड सम कर रहे हैं खट्टी मीठी बातें, और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है क्योंकि छुट्टियां हैं, और अब छुट्टियां भी मुझे लगता है ख़त्म होने वाली है, अगस्त आने वाला है, तो यहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनसे पूछते हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं, और इतनी गर्मी नहीं है ठीक है, मौसम भी हवा भी चल रही है लेकिन पसीना भी आ रहा है, तो आइए उनसे पूछते हैं ज़रा वो क्या कर रहे हैं यहां पे। आइए मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान। और सर करते क्या हैं आप? मेरा बिजनेस है। लाहौर से हैं? हाँ जी लाहौर से हैं। ठीक है, मुझे अपना रिलेशनशिप बता दें। हस्बैंड वाइफ है, ये बेटी है हमारी। ओके, नेम क्या आपका? शाफिया ज़ीशान। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास में पढ़ती हैं। अरे वाह, तो क्या ख्वाहिश है बड़े होकर क्या बनना है? मैंने इंजीनियर बनना है। वाह माशाल्लाह से जबरदस्त। और लगता है आपको कि आप में कोई टैलेंट है, क्या टैलेंट है? मेरे अंदर आर्ट का टैलेंट है। वाह गुड। और आप मुझे बताएं जी कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? 12 साल हो गए। 12 साल माशाल्लाह सर, 12 साल काफी है एक दूसरे को समझने के लिए। हाँ जी समझ गए जी। चले अब आपने बतानी है अपने हस्बैंड की कोई अच्छी सी आदत। घूमने फिरने का, सैर तफरी का बहुत शौक है इन्हें, और खाने पीने का और खिलाने का भी। अरे वाह ये तो अच्छी बात है सर। अब आपने अपनी बेगम की बतानी है अच्छी सी आदत जो आपने ने पहले कभी ना बताई हो। खाना बहुत अच्छा बनाती है। पहले कभी नहीं बताया आपने? ये तो बताया हुआ ही है मुझे पता है। खाने में हर चीज़ बना लेती हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं। क्या बनाते आपको क्या पसंद है इनके हाथ का? मुझे हर चीज़ ही पसंद है, हर चीज़ बना लेती हैं। एक खास डिश होती है? कोरमा बिरयानी। ओके, और सवाल करेंगे आप लोगों से ठीक है, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ वादा पूरा ना करने पर उंगली जो है वो काट दी जाती है हाथ की? ये मुल्क का नाम बताना है आपने। नहीं, मेरे है आपको कोई आइडिया? नहीं नहीं ये आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। चले ठीक है, अब आपने कहना है किचन में मुझे बताएं ऐसा कौन सा काम है जो करना आपको नहीं पसंद? नहीं कि नहीं, किचन का तो सारे काम कर लेती हूँ। अरे पसंद है? हाँ ऐसा कोई नहीं है। चले कोई रेसिपी शेयर कर दें आप हमारे साथ। रेसिपी किस चीज़ की शेयर करूँ? कोई भी रेसिपी शेयर कर सकती हैं। चले ठीक है जी, कोरमे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ, चिकन कोरमा या मटन कोरमा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने प्याज लेना होता है, वो ब्राउन किया और उसके बाद उसे फ्राई करने के बाद उसे अलहदा कर लिया। गोश्त के अंदर आपने सारे जो मसाले होते हैं लाइक नमक मिर्चे और धनिया और सारे गरम मसाले साबुत वो डाल दिए, और साथ में दही अदरक और लहसुन ये डाल के आपने उसको कर दिया, पकने के लिए रख दिया, गलने के लिए रख दिया। और जब वो रेडी हो गया तो आफ्टर दैट प्याज को आपने वो ग्राइंड करके जो प्याज है उसको डाल दिया, उसको भून के अच्छी तरह उसमें रेडी है कोरमा फिर। ओके सर, कोई नात वगैरह कोई तलावत वगैरह आती है आपको? नहीं अभी नहीं इस वक्त। कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम यही है कि चिड़ियाघर को उन्होंने जाना अच्छा बना दिया काफी, और इसकी तरफ तवज्जो दें जरा और अच्छा हो जाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लाहौर न्यूज की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया, यहाँ पर हमारे साथ एक और क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और उनसे बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मैं बता दूँ यहाँ पर मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, तो आइए मेरे साथ आपको साथ चिड़ियाघर के मनासर भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मरियम। मरियम करती क्या है आप? मैं MBBS कर रही हूँ। MBBS कर रही है माशाल्लाह से, तो भाई कौन सा साल चल रहा है आपका? थर्ड ईयर चल रहा है अभी। थर्ड ईयर चल रहा है, कितना रह गया? 2 ईयर्स और, अभी 2 साल और रह गए हैं। ठीक है, और मुझे बताओ क्या भाई, जाहिर बात है डॉक्टर ही बनेंगी आप, वैसे क्या किस में स्पेशलाइजिंग का शौक है आपको? स्पेशलाइजेशन सर्जरी में भी है, बट मेरिट लगता है, तो मेरिट पे डिपेंड करता है कि जिस फील्ड का मेरिट बनेगा तो उसी में एडमिशन होगा। ओके, और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं आपसे ठीक है, ऐसा कौन सा मुल्क है जिस मुल्क के बादशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? मुल्क का नाम बताना आपने। I don't know, इस्लामिक कंट्री है कोई? नहीं इस्लामिक नहीं। Oh no!
कोई आइडिया नहीं? नो. चलो ठीक है. और अब आपने 10 दफा आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम. 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 अब्दुल गोल. ओके, अब क्या शेयर करोगी हमारे साथ? कोई गाना वगैरह आता नहीं? चलो दो लाइनें, ज्यादा नहीं. कोई सा भी सुना दो लाइनें. नहीं, शेर सुना देती हूँ. चलो शेर सुना. निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फरकान वही यासीन वही तोहा. ओके गुड. और बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके. लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है. बहुत शुक्रिया आपका. और यहाँ पर हमारे साथ भाई, आप कह सकते हैं इन फ्यूचर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी और उनसे हमने की है कुछ बातें. और मैं देखती हूँ यहाँ पर चिड़ियाघर में, क्योंकि ज़ाहरी बात है अब अगस्त भी आने वाला है, थोड़ा सा हब्स का मौसम हुआ हुआ है और हवा भी चल रही है, लेकिन पसीना भी साथ साथ आ रहा है, तो गर्मी है. मैं फिर भी देखती हूँ हमारे लाहौरियों के भाई जज्बे बहुत हैं और इस गर्मी में भी चिड़ियाघर में मौजूद है. और जानवर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रेश दिखाई नहीं दे रहे हैं, बेचारे मुरझाए मुरझाए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी है. तो गर्मी में जहाँ इंसान मुरझा जाते हैं, बल्कि मुझे लगता है दरख्त भी मुरझा जाते हैं, तो वहीं जानवर भी थोड़ा सा जो है वो बोरिंग फील करती हैं. तो आइए और देखते हैं यहाँ पर फैमिलीज और उनसे पूछते हैं भाई वो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. लाहौर से हैं? जी मैं लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. और क्या करते क्या हैं आप? जी मेरा प्लम्बरिंग का काम है. नाम बता दें मुझे. अफजल हुसैन असदी. ठीक है. और आपका क्या नेम है? मेरा नाम है एहसान अफजल मोहम्मद हुसैन. और आपका? तान. अरे वाह, बड़े शरारती लग रहे हो आप मुझे सुल्तान. और सुल्तान की आईज इतनी येलो क्यों है? ऐसी हैं या फिर वैसे? चेंज हो जाती हैं. नहीं, आईज का कलर तो बहुत प्यारा है. वैसे भी येलो आईज है आपकी, क्यों? वैसे ही जब मैं मट्टी खाता था तब के बाद मेरी आंखें येलो हो जाती थी. अब मैं छोड़ता हूँ फिर भी चेंज हो जाती है. फिर भी चेंज हो जाती है, फिर भी येलो रहती है जी. अरे गुड. और वैसे मुझे पहले रिश्ता बता दे अपना. जी हम हस्बैंड वाइफ हैं. हस्बैंड वाइफ है. कितना अर्सा हो गया सर आपकी शादी को? 11 साल. 11 साल हो गया. तो 11 साल काफी है एक दूसरे को समझने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है. समझ गए हैं. इंसान समझने वाला हो तो एक ही माह में इंसान समझ लेता है. अब सवाल करेंगे आप लोगों से, मतलब कि अब आपने अपने हस्बैंड की बतानी है कोई अच्छी सी आदत जो आपको इनको बहुत अच्छी लगती है लेकिन बताई ना हो कभी. मुझे मुझे फिर से बताइएगा. मैं कह रही हूँ आपको अपने हस्बैंड की आदत कौन सी अच्छी लगती है? मुझे इनकी आदत मुस्कुराना अच्छा लगता है. गुड. और बुरी? जो अकेले में बैठ जाते हैं, बात नहीं करते, खामोश हो जाते हैं. खामोश तबीयत जी इस तरह ही करते हैं. जब कभी परेशान होते हैं तो फिर अकेले बैठना पसंद करते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं चाहती हूँ कि बता दें तो ज़्यादा बेहतर होता है. और सर आपको कौन सी अच्छी आदत लगती है अपनी वाइफ की? ये बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी आदत लगती है. और बुरी? बुरी इसमें कोई भी आदत नहीं है. मुझे कैसे हो सकता है? मुझे इनकी कोई कभी भी कोई बात बुरी नहीं लगी. वाह, ये तो अच्छी बात है. और सवाल करेंगे आप लोगों से, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है, वो मुल्क का नाम बताना है आपको. आई डोंट नो. आइडिया नहीं है आपको? है आइडिया? नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है. आई थिंक मैंने जो सुना है वो तो बाहर के मुल्क में ऐसा होता है ना. बाहर का ही मुल्क है और इस्लामिक ममालिक नहीं है. ये मैं बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ आपको. सारे इस्लामिक ममालिक नहीं है. कोई आइडिया नहीं है. चले मुझे बताएं, किचन में काम करती हैं आप? जी बिल्कुल. कौन सा ऐसा काम है जो करना नहीं पसंद? बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं. ये खवातीन का बहुत मसला है, बर्तन ही धोना. चीज भी है वो, आटा गूंदना इन्हें पसंद नहीं है. ये दो यही मेन काम होते हैं, बर्तन धोना आटा गूंदना. मेन काम जो इनका ना वो ये नहीं करती. सर अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. 10 टाइम्स कहना है आपने. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. 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 और कोई गाना सर आता है आपको? कोई गाना कोई सॉन्ग सुना सकते हैं दो लाइनें अपनी वाइफ के लिए? रोज ऐसा मौका नहीं मिलता सर, बहुत कम मौके मिलते हैं.
चलें ये माइक है। घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, अजीब शख्स था सपने दिखा के छोड़ गया। ये उजड़ा घर तो उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत क्यूट सी फैमिली है ये, लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ एक क्यूट सी और फैमिली भाई मौजूद थी और हमने उनसे की हैं कुछ मज़ेदार बातें। उम्मीद करते हैं आपको उनकी बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी। ना सर, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़िया घर में, तो यहाँ पर काफ़ी क्राउड भी है, फैमिलीज भी देख रही हूँ मैं, और यहाँ पर बुजुर्ग शहरी भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान स्टूडेंट सब यहाँ पर मौजूद है। तो उनसे करें हम खट्टी मीठी बातें, और मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक लेने के बाद फिर मैं वापस आऊँगी, तो स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आए खूबसूरत फैमिली से करते हैं कुछ चिटचैट और उनसे करेंगे कुछ और भी मजेदार बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं? जी हाउसवाइफ हूँ मैं। और किचन में काम करती हैं? जी वो शौक से। शौक से करती हैं। चल, ऐसा कौन सा काम है जो करना नहीं पसंद? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी काम नहीं है। कोई काम नहीं है, सारे कर लेती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सवाल करूंगी मैं आपसे। ठीक है, सवाल ये है कि ऐसा एक मुल्क है जहाँ पर जो है वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है, मुल्क का नाम बताना है आपने। सऊदीया? नहीं, इस्लामिक ममालिक नहीं है, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। आई हैव नो आइडिया। और कभी आपने 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो? हाँ देखे गौर से। उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता? 100 बार। इतनी तो उसमें स्पेस भी नहीं होती। एक मिनट, आई थिंक 15 times। 10? Exactly, 10 करोड़ तो 10 बार ही लिखा होगा। और इसके अलावा आप बताएं आपका नेम क्या है? इस्माइल। ये काजल किसने लगाया आपको इतना? किसने लगाया ये? मामा ने। मामा ने? आपको पसंद है ये? अक्सर बच्चे जिद करते हैं हमने नहीं ये लगाया। और आपका क्या नेम है? मोहम्मद इब्राहिम। पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? प्रेपरपल। अच्छा, और टीचर का क्या नेम है आपकी? शादिका। अच्छी लगती है आपको? और आपको? ठीक है, और कोई पोइम सुना दो मुझे फिर जल्दी से। आप सुना दो। देखा बच्चा आती है, छोटी छोटी अंकल ले बड़े का नाला सुन से पानी पीता है, चीरे का मरता है। ओके, आप भाई आप ही को सुना दो ना, सिर्फ शरारतों में बिजी हो। क्या भी हो जाती है फिर ड्रप ड्रप प्रपन डप डप डप, क्या भी हो जाती है फिर ड्रप ड्रप प्रपन डप डप डप, नाउ आई एम क्लीन फिर ड्रप ड्रप प्रपन डप डप डप। ओके, अच्छा मुझे तो मामा अच्छी लगती है। पापा? पापा क्यों? मामा क्यों नहीं अच्छी लगती? पापा चीजें लेके देते हैं इसीलिए। बच्चे हमारे बहुत ज्यादा लालची हैं, जहाँ जो चीजें मिलती है वही सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। और कोई रेसिपी शेयर कर सकती हैं आप हमारे साथ? जी चिकन मंचूरियन की शेयर करूंगी। चिकन को लेके आप उसको अंडा और काली मिर्च और नमक लगा के उसको मैरिनेट करके रख दें, उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, हाफ डन उसको फ्राई कर लें। उसके बाद आप सॉसेस लें, चिली सॉस लें, कैचअप सॉस लें, सोया सॉस लें, और लहसुन का थोड़ा सा तड़का लगा के उसमें आप ये सब सॉस को मिक्स कर लें। उसके बाद आप थोड़ी सी यखनी ले लें, चाहे आप चिकन क्यूब्स की बना लें या चिकन की ले लें। यखनी लेके उसमें आप डाल दें, जितना आपने उसकी प्योरी रखनी है उतना आप उसमें ऐड कर लें। उसके बाद उसको जब वो अच्छी तरह एक दो उबाल आ जाएँ तो उसमें जो चिकन हमने रेडी करके रखा है उसको उसमें ऐड कर लेंगे, तो बहुत अच्छा चिकन मंचूरियन बन जाता है। ओके, उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन आपकी रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे। तो ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ क्यूट सी मम्मी मौजूद थी और किड्स भाई, हमने उनसे कुछ मज़ेदार बातें की हैं। और बच्चे जो हैं वो हमेशा जो हैं, मैं अक्सर बच्चों से सवाल पूछती, मामा अच्छे लगते हैं पापा अच्छे लगते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर देते हैं और कुछ बच्चे बड़े भाई वो कहते हैं ना बच्चे गैर सियासी होते हैं। मुझे लगता है आजकल के बच्चे भी सियासी हैं, हमारा माहौल तो सियासी आजकल बड़ा गर्मा गर्म हुआ हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ मज़ेदार बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक। और मुझे बताएं यहाँ पे चिड़िया घर में घूमने फिरने के लिए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? गुड। और मुझे अपने अपने ना जरा रिलेशनशिप बता दें। ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पोत्री है। माशाल्लाह से क्यूट सी फैमिली है आप लोगों की सर। और मुझे बताएं अब, हाँ बड़ फैमिली है माशाल्लाह से। हाँ। और मुझे बताएं कितना अरसा हुआ आपकी शादी का? वो तो माशाल्लाह 50 साल। 50 साल का माशाल्लाह से साथ है सर। 50 साल हो गए हैं तो काफी समझ गए होंगे एक दूसरे को। बहुत समझते हैं। चले बता दें फिर अब इनकी कोई अच्छी सी आदत। इनकी क्या क्या सिफत करूं, बहुत सिफतों की मालिक है ये। कोई एक बता देना जो बड़ी अच्छी लगती है आप। उन्होंने खुद बता दिया, आपको याद नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं फिर भी आप बताना जो आपको इनकी आदत अच्छी लगी अभी तक 50 सालों में। ये मेरी बात का गुस्सा नहीं करती। और बुरी आदत कौन सी लगती है आपको? जी इनकी बुरी आदत कौन सी लगती है जिसमें गुस्सा आता हो? नहीं है कोई। कोई भी नहीं है? हाँ नहीं, जब ये पैसे मांगते हैं फिर बुरी आदत लगती है। अच्छा पैसे मांगती फिर बुरा लगता है? हाँ जी। चले ठीक है, अब आपने बतानी इनकी अच्छी आदत। जी क्या लगता है आपको इनकी अच्छी आदत क्या है? इनकी सब अच्छी आदत है। नहीं एक तो बताएं ना आप, एक आदत बतानी है आप। क्या बताएं? जो आपको अच्छी लगती है इनकी आदत। माशाल्लाह ये हर तरफ लेके जाते रहे जवानी में, तो अब तो मौका ही नहीं है। फिर भी अब तो ही मौका है फिरने घूमने का। सारी जिंदगी जो होता है वो जिम्मेदारियों में गुजर जाता है, ये वो आप लोगों का टाइम अब एंजॉय करने वाला। माशाल्लाह वो करवाते हैं। आदत बताएं जो इनकी बुरी लगती है आपको। इनकी बुरी आदत नहीं है कोई। कितनी स्वीट है सर, कोई आदत बुरी लगती आदत नहीं। कभी लड़ाई नहीं आपकी? होती है, वो तो हल्की फुल्की तो हो ही जाती है, मियां बीवी में हो ही जाती है। और सर आप बताएं आप क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट लाइन से हूँ। हाँ जी। ओके, अब आप लोगों से सवाल करेंगे। एक ऐसा मुल्क है जिसके बादशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी, अब आपने उस मुल्क का नाम बताना है। नहीं सोचना बेकार है, सुना ही नहीं ये क्वेश्चन कभी पहले। कभी नहीं सुना सर आप? नहीं भी नहीं सुना। अच्छा एक ऐसा मुल्क है जहाँ जो है वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है। स्वीडन। स्वीडन ओह नो, सामने को मालिक नहीं है। नहीं ओह नो, कोई आइडिया नहीं है। चले ठीक है, अब आंटी आपने कहना है अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। हां 10 दफा कहना और 30 कहना है। ओए अब्दुल गोल गपंगम नहीं, ये नहीं कहा जाएगा। चलो आप ट्राई करें, करें आप ट्राई। अब्दुल गोल गपंगम, 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 अब्दुल गोल गपंगम। गुड हो गया। और आपका क्या नेम है? आयशा। आयशा आपने कैमरे की तरफ देखना, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़े हो जाओ। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? नर्सरी। पोएम आती है आपको? आपको आती है पोएम? चलो पोएम सुना दो मुझे। और सर आप लोगों में से किसी को गाना आता है? कि थोड़ा सा दो लाइनें। कोई शेर सुना दो। शेर सुना दे, ये माइक है। और मैं इसी ख्याल से आज तक दिल की बात ना कह सका कि वो दर्दे दिल से है बेखबर, कहीं हंस के ना टाल दे। अंकल कुछ आप आंटी के लिए कुछ नहीं कहेंगे? हाँ जी कोई गाना सुना दे दो लाइनों का। सुनाते हैं। सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यही तमाम होती है। नहीं बस वो जेन में था वो निकल गया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी क्यूट सी फैमिली है। ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें और इसी तरह से खुशियां बिखेरते रहें। तो नाजरीन मैं यहाँ पर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, तो हमने यहाँ पर फैमिली से की है कुछ और मज़ेदार बातें। तो उम्मीद करती है आपको उनकी उनकी जो आदतें हैं, उनकी बातें जो सुनकर आपको अच्छी लगी होंगी। और जब मैं उनसे पूछती हूँ
कि आप मुझे बताएं जिंदगी में 50 साल, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है यार। मुश्किल नहीं, हमारे माँ बाप यकीनन होते हैं, गुजारते हैं, पर बड़ी बात होती है कि आप ज़िंदगी का इतना लंबा अरसा आप गुजारते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ गुजारते हैं, और बड़ी बात होती है। तो कोशिश करें बस आप भी प्यार मोहब्बत से रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत फैमिली, और उनसे करते हैं कुछ और मज़ेदार बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? अली अहमद। सर करते क्या हैं आप? कपड़े की शॉप है। कपड़े की शॉप है, तो चिड़ियाघर में अकेले अकेले घूम रहे हैं आप? बस बारिशों का मौसम है ना, तो इसीलिए कस्टमर वगैरह नहीं है, तो हमने कहा एंटरटेनमेंट के लिए, चलो शॉप बंद है तो फिर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। और अभी तक चिड़ियाघर में क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ ही अच्छा लगा है। सब कुछ ही अच्छा है? हाँ सब कुछ ही अच्छा है, माहौल अच्छा है। इससे अच्छी जगह तो मेरे ख्याल में माल रोड पे है ही नहीं है। गर्मी की क्या सूरत हाल है? गर्मी की सूरत हाल बस नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही, अभी पसीना आपको नहीं आ रहा? मुझे लगता है आपको पसीना नहीं, मैंने इतने लोग देखे जिनको पसीना आ रहा लेकिन आपको अभी तक पसीना नहीं आया। नहीं नहीं। चले ठीक है, सवाल कर लेते हैं आपसे। एक ऐसा मुल्क है जहाँ वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है, ये कौन सा मुल्क है? मुल्क का नाम बताना है आपने। इस्लामिक ममालिक नहीं है? इस्लामिक ममालिक नहीं है, नहीं, I don't know. कोई आइडिया नहीं है। चले मुझे बताएं, आप ATM यूज करते हैं? नहीं, ATM नहीं यूज करते हैं। और 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो आपने? हाँ, उसके पीछे पिशावर वाली तस्वीर। मुझे ये बताएं, मैंने मुझे तस्वीरें ना जो है ज़हन में है मेरे वैसे। नहीं, 10 कितनी बार लिखा होता है 10 रुपए के नोट के ऊपर? क्या लिखा होता है 10 रुपए के नोट के ऊपर जो है, मुझे बताएं कितनी बार लिखा होता है उसके ऊपर 10? 5 दफा। नहीं। Oh no! नहीं, ये नहीं। चले अब आप कह दे पतली लड़की, लकड़ी पतली, और 10 times कहना है, फास्ट कहना है आपने। पतली लड़की, पतली लड़की, पतली लड़की, लकड़ी पतली, 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 कितनी दफा बोलो। और कोई गाना वगैरह सुना सकते हैं आप हमें? 2 लाइनें सुना दे, ये ले माइक। शेर सुना देता हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी जस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी के इसे किसी सहारे की आरजू भी नहीं। अरे जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मैं मौजूद हूँ यहाँ पर चिड़िया घर में, आप सबकी मोस्ट फेवरेट ये प्लेस है, तो यहाँ पर आए क्राउड से हम कर रहे हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। तो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी, तो फिर आपसे करेंगे और मजेदार बातें, तो आपको करना होगा मेरा थोड़ा सा इंतजार। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ, और मेरे आसपास आप देख सकते हैं खूबसूरत से मनाजर हैं, और ये मनाजर है चिड़ियाघर के। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी आपको दिखाते हैं चिड़ियाघर के मनाजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई जू में घूम फिर रही हैं आप, इंजॉय कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा अभी तक यहाँ पे? दोस्त के साथ आई हूँ, और मैं हाथ पे देख रही हूँ कुछ लिखा हुआ है आपने। हाँ, ये मेरी सिस्टर का नाम है, मुझे अपनी सिस्टर से बहुत प्यार है। हमारे कॉलेज के बाहर अंकल बैठते थे तो वो नाम लिखते थे, तो मैंने खाली जे लिखवाया, तो मैंने कहा हमारी जिस तरह की सोसाइटी है ना, जिस तरह के हम लोग, मतलब हमारे दिमाग हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई इसने, लड़की ने जे लिखवा लिया तो यार कोई ना कोई चक्कर जरूर है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने पूरा नाम अपनी बहन का लिखवा लिया। ओके गुड। और इसके अलावा आप सवाल करेंगे आपसे, ठीक है? सवाल ये, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है। वादा ना पूरा करने पे? इंडोनेशिया। नहीं। ओह नो। यार वो मुल्क है ना जिनका वजीर आजम इतना सा है, छोटा सा, ये नाम नहीं उसका आता, वो बिल्कुल कोडूस है उसका, मतलब नाम नहीं मुझे पता, सॉरी। चलो अब दर दफा कहते हो अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? चलो पति, पति लड़की, लकड़ी पतली, जैसे आप पतली हो, लकड़ी
पतली लड़की लकड़ी पतली, लड़की पतली 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 लकड़ी पतली, शायद सॉरी। ओके गाना सुना दो भाई हमें पता चले। हाँ ये लो ये। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, चंगा में तुम मीठा मीठा रोग मैनू लायाई, चंगा में तुम मीठा मीठा रोग मैनू लायाई, दिन तड़पाया सारी रात जगाया ही। बस सॉरी। और आता कोई सॉन्ग आपको इसके अलावा? दो तो आपने ऑलरेडी मिक्स कर दी हैं। चलो कोई और सुना दो भाई, और सुना दो। मैं लता जी को बहुत पसंद करती थी तो मेरी वो अब नहीं करती हैं। नहीं अब तो वो इस दुनिया में नहीं है ना, तुमको फिर भी लेजेंड तो लेजेंड ही रहते हैं मेरे लिए, अभी भी वो हैं। चलो जी सुना दे फिर उनका। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले गले। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की जानिब से आपके लिए ये गिफ्ट है पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। और मुझे बताएं भाई क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं तो लाहौर से हैं? लाहौर से, बेसिकली लाहौर से हूँ, वरना जंग होती हूँ। जंग में होती हैं तो भाई लाहौर कैसा लगता है आपको, जंग कैसा लगता है? लाहौर भी अच्छा है और जंग भी अच्छा है। वैसे क्या दोनों में से बता दें कौन सा अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। किचन में काम करती हैं आप? जी। ऐसा कौन सा काम है जो करना नहीं पसंद? आटा गूंदना। और जो पसंद है वो क्या है? बाकी सारे काम ही पसंद है। सारे काम ही पसंद है, चले ठीक है। और कोई किचन में मुझे बता दे 10 चीज़ों के नाम। तवा, चिमटा, चम्मच, प्लेट, फोक, मिक्स बता दूँ उर्दू इंग्लिश, और ओवन, माइक्रो ओवन, फ्रिज, चूल्हा, कैबिनेट्स, टैप। पूरे हो गए। और अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आपका क्या नेम है? आपका क्या नेम है? नाफिया मोन। नाफिया बड़ा प्यारा नेम है, किसने रखा था आपका नेम? बाबा ने। पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? नचली में। नचली में पढ़ती हैं। कोई पोएम आती है आपको? अच्छा कोई सॉन्ग सुनाएंगी आप? चलो ये लो फिर, ये माइक है और कैमरे सब दे के आपने सुनाना। चलो हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम, जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम छप की है पहचान, हम छप का पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हम छप का पाकिस्तान, हर दिल के उस फकबल हैं, चांद एक चिताला एक है, कलमा भी वाहिद, पल चप भी हमारा एक है, हम यक दिल हम एक जा, हम यक दिल हम एक जा। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा गाया और मुश्किल वर्ड्स थे भाई, ये आपके लिए है लाहौर न्यूज़ की जानिब से। ठीक है
बहुत शुक्रिया आपका भाई, हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और आपने गाना जो उनका सुना होगा मिली नगमा जो है वो उन्होंने आपको सुनाया और माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा सुनाया है। और वाकई मुझे जो उन्होंने कहा ना जिंदा कौम मुझे लगता है जो हमारे मुल्क के सियासी सूरत हाल है वाकई हम जिंदा कौम ही रह गए हैं, जिंदा नहीं जिंदा कौम रह गए। नाज़रीन मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो का एंजॉय किया होगा और आप घर में बैठकर यकीनन मुस्कुरा रहे होंगे। तो मुस्कुराते रहिए, हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप मुस्कुराएं और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिए। तो हमेशा की तरह जो भी सवालात करती हूँ उनके जवाबात मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो आज पहला सवाल ये शामिल किया था कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर वादा पूरा ना करने पर उंगली काट दी जाती है, और इसका जवाब था जापान। भाई जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ इंसाफ चलता है, काश हमारे पाकिस्तान में भी इंसाफ हो। और दूसरा सवाल ये था एक मुल्क के बादशाह हैं, वो कौन सा मुल्क है जिसके बादशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी, और वो भी जापान है। भाई जापान सबसे आगे है इंसाफ में, तो उनके ही बादशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी। वो ऐसे नहीं कहते हैं, याद रहती हैं वो तारीखी बातें। तो ये वो तारीखी और हिस्टोरिकल ये बातें हैं जो कि हमेशा याद रखी जाती हैं, और खून से किताब लिखना एक बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है सारा खून ही उन्होंने लगा दिया होगा अपना किताब लिखने में बहुत ज़्यादा खून चाहिए होता है। तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक है, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, और साथ ही साथ आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। तो आप ने रखना अपनी दुआओं में याद, मुझे कहते हैं जी महरीन फातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं और हम आपको जवाब भी देंगे। और जी देखना मत भूलिएगा पूछो तो जीतो, जुमरात से इतवार देख सकते हैं आप लाहौर न्यूज़ HD पर 7 बजे, क्योंकि ये आपका अपना शो है। तो इसके साथ ही आपने मुझे इजाज़त देनी है, फिर हाजिर होंगे एक नए दिन एक नए एपिसोड एक नए दिन के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।